फिल्म एडिटिंग एक कमाल का प्रोफेशन है, इसमें बहुत अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी है और बहुत रेस्पेक्ट भी। लेकिन फिल्म एडिटर बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर। फिल्म एडिटिंग एक कमाल का प्रोफेशन है और फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छे एडिटर की बहुत कदर होती है, उसको बहुत रेस्पेक्ट भी मिलती है और वो बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकता है। इसलिए क्योंकि एक फिल्म एडिटर एक डायरेक्टर से कम नहीं होता। आपने सुना होगा कि डायरेक्टर जो होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, लेकिन जो एडिटर होता है वो बहुत ज़रूरी सैनिक है इस कैप्टन के लिए, क्योंकि अच्छे एडिटर के बिना एक अच्छी फिल्म नहीं बन सकती। एक एडिटर खराब फिल्म को भी कई बार अपने एडिटिंग सेंस से अच्छा बना देता है और कई बार बहुत अच्छी फिल्म भी एक खराब एडिटर पूरी तरह से खराब कर सकता है। इसलिए एक बहुत ही जिम्मेदारी वाला प्रोफेशन है। इसके लिए आपको सब कुछ बहुत अच्छे से आना चाहिए। एक एडिटर के अंदर एक एडिटिंग सेंस होना चाहिए, जैसे एक डायरेक्टर सेंस होता है, इसी तरह से मैं कहूँगा एडिटर सेंस। मतलब स्टोरी टेलिंग का जो फॉर्मेट है, जिस तरह से एक कहानी लिखने वाला कहानी लिखता है, एडिटर अपने टेबल पर अपनी मशीन के थ्रू पिक्चर्स के थ्रू उस पूरी कहानी को प्रेजेंट करता है, डायरेक्टर जो उसको शूट करके देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके अंदर एक फिल्म मेकिंग का सेंस हो, आपके अंदर एक स्टोरी टेलिंग का सेंस हो, आपको ड्रामा प्ले करना आता हो, उसकी समझ हो। एडिटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा पॉपुलर है उसमें है FCP X10, जो भी लेटेस्ट वर्जन आया है, इसमें अपग्रेड होता रहता है सब कुछ, तो आप पता करते रहें, लेकिन उसकी समझ पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एडोब प्रीमियर प्रो, ये भी दोनों अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, ज़्यादातर लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने डूज एंड डोंट्स हैं, लेकिन मेन बात वहीं आ जाती है कि आपको एडिटर का सेंस होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात पर, टूल्स जो होते हैं, मतलब कि आपको कैसे कट करना है, कैसे पेस करना है, ट्रांजिशन कैसे देना है, कहाँ पे स्लो मोशन डालना है, कहाँ पे जंप कट लगाना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी समझ आपको होनी चाहिए। अब ज़्यादातर लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे ये सब कुछ अवेलेबल है। मेरे पास कई बार बहुत से एडिटर आते हैं प्रोडक्शन में काम के लिए और कहते हैं कि हमने तो पूरा सीखा हुआ है, और जब मैं काम करा के देखता हूँ मशीन पे तो पता चलता है कि उनको सिर्फ बेसिक टूल्स पता हैं जो उन्होंने यूट्यूब से देख लिए। बेसिक टूल्स की जानकारी होना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके अंदर एडिटिंग का सेंस नहीं है तो आपको कहीं पर भी ना तो जॉब मिलेगा ना तो फ्रीलांस काम मिलेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को समझें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जो प्रैक्टिकल एडिटिंग कोर्स है जॉइन फिल्म्स एकेडमी में, उसमें हम पूरी तरह से ध्यान देते हैं कि आपको फिल्म एडिट करना है, आपको शॉर्ट फिल्म एडिट करना है, आप सॉन्ग एडिट कर पाएँ, इसके अलावा और छोटी छोटी स्क्रिप्ट भी एडिट कराते हैं ताकि आपका वो धीरे धीरे सेंस डेवलप हो जाए। तो उसके बाद आप काम कहीं पर भी आसानी से कर लोगे, क्योंकि कहीं पर भी स्टूडियो में जाओगे तो आपको कोई ना कोई तो असाइनमेंट देंगे। आप जो यूट्यूब से एडिटिंग सीख रहे हैं उसमें आप वो काम कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं, बट बीइंग ए प्रोफेशनल एडिटर आपको वो काम करना पड़ेगा जो आपको असाइन किया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके अंदर स्टोरी टेलिंग हो और एडिटिंग का सेंस भी हो। अब आते हैं एक बात पे और, अगर आप एडिटर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप एडिट क्या कर रहे हैं। पहले उसको अंडरस्टैंड कीजिए कि मैं थ्रिलर एडिट कर रहा हूँ, कि मैं कॉमेडी एडिट कर रहा हूँ, कि मैं रोमांटिक कोई फिल्म एडिट कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही जोनर चेंज होगा वैसे ही एडिटिंग का पेस भी बदल जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप उसको समझ के चलें। हॉरर होगा तो उसका पेस बिल्कुल अलग होगा। आप जिस तरह से एक सोशल ड्रामा फिल्म को एडिट कर रहे हैं उसी तरह से आप एक थ्रिलर को एडिट नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ और जोर देके कह रहा हूँ, एडिटर सेंस होना बहुत ज़रूरी है। चौथी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिएक्शंस की समझ। कोई भी ड्रामा तब तक बिल्ड नहीं हो सकता जब तक कि अपोजिट जो कॉन्फ्लिक्ट करेक्टर है उसका रिएक्शन ना लगे। जितना प्यार मैं करता हूँ ना तुझसे रूमी, कोई किसी से ना कर सके, जा कर ले शादी तो किसी जिम्मेदार आदमी से। रिएक्शन की अगर आपको सही समझ होगी कि किस पर्टिकुलर लाइन पे, डायलॉग पे या बीट पे या पॉजेस पे आपको रिएक्शन दिखाना है अपोजिट करेक्टर, आप देखेंगे ड्रामा बिल्टअप हो जाएगा। कम से कम 8 साल में एक बार मिलने जरूर आते आपके बाबूजी। भैया बच्चा। कई एडिटर ऐसे होते हैं जिनको इनकी समझ बहुत अच्छी होती है और तभी उनकी जो फिल्म हो, किसी भी रूप में हो, चाहे शॉर्ट फिल्म में हो या गाने हो, कोई भी उन्होंने अगर फिक्शन बनाया तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको मालूम है मेरे को रिएक्शंस कहाँ डालने हैं। बहुत ज़रूरी है आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। मैं आगे भी एडिटिंग पर वीडियो ज़रूर लाऊंगा, लेकिन एक बात और बता दूं आपको, आज कई ऐसे डायरेक्टर हैं जो सिर्फ अपने पसंदीदा एडिटर के साथ ही काम करते हैं, बल्कि कई बार तो उनके लिए वेट भी करते हैं। वजह साफ है, वो जानते हैं कि मेरी फिल्म को ये एक लेवल पे अप करके ले जाएंगे, क्योंकि शूटिंग में थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आई हैं, गलतियां हुई हैं, अब अगर कोई सुधार सकता है तो वो है सिर्फ एडिटर। तो एडिटर
इतनी ज़रूरी चीज़ है कि डायरेक्टर वेट करते हैं, प्रोड्यूसर वेट करते हैं, इतना कमाल का प्रोफेशन है। और आजकल इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, क्योंकि अब वेब सीरीज़ आ गई हैं, डिजिटल वर्ल्ड आ गया है। पहले शॉर्ट फिल्म ज़्यादा नहीं बनती थी, अब एक एक करोड़ की भी शॉर्ट फिल्में बन रही हैं। फिल्म फेयर ने तो शॉर्ट फिल्म पर अवार्ड भी अनाउंस कर दिया है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। आगे अगर आप एडिटिंग पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं, जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो, कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। I can, I will try.